मम्मी कितनी गंदगी फैला रखी है आपने रूम में। देखो इन लोगों का रूम, हमारा रूम देखो अभी कितना साफ चकाचक रूम है हमारा, है ना। बाकी कीटो भी हमारे पास ही रहता है, कीटो भी बहुत प्यारा बच्चा है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड द स्टार्ट ऑफ डे टू। बाल आज भी रॉक सॉलिड लग रहे ना। ठीक है, जोक्स अपार्ट, डे टू स्टार्ट हो चुका है हमारा और आज हम लोग जा रहे हैं नागपुर की तरफ। नागपुर यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक सेम दूरी है ना आशु, 550 किलोमीटर की दूरी है। एंड स्टार्टिंग का रूट बहुत अच्छा है, हैदराबाद छोड़ेंगे जब हम, बहुत प्यारा रूट है। लेकिन जैसे ही हम पहुंचेंगे नागपुर की तरफ ना, लास्ट का जो 180 किलोमीटर है बहुत ही बकवास रूट है उसका, बहुत गड्ढे हैं। लास्ट टाइम हमारा वहां पे ऑपरेशन हुआ था। अब देखना यह है कि हमारी जो स्कॉर्पियो है ना उन रास्तों पे कैसे परफॉर्म करेगी। बाय द वे कोई और बड़ा चमक रहा है, अरे एक और मौजूद है यार, ओके आ गए। वहां से मम्मी झांकते हुए देख रही है मेरे को धीरे से। निकलने की तैयारी क्या करोगी निकल के? स्कॉर्पियन हमारी बेसमेंट में खड़ी है, डैडी यहाँ पे सामान जमा रहे हैं। भाई गाड़ी की कंडीशन ठीक है, थोड़ी बहुत गंदी है, धूल चढ़ी हुई है। मैं सोच रहा हूँ ये जो ब्रश है फटाफट से इसके ऊपर मार देता हूँ ताकि एक नंबर क्लीन हो जाए। बहुत शानदार चीज है और मैं तो खुद आपको बोलूंगा मस्ट टू हैव एक्सेसरी है, ये पक्का ऑर्डर करके रखें। भैया चेकआउट का बिल, हमने चेकआउट कर लिया है। गीता देख रहा है, गीता कहाँ जाना था फिर मैं, और यहाँ पे गाड़ी की सफाई चल रही है फिर से। मैं देख रही हूँ तू कल भी लटका हुआ था 1 घंटे तक और आज भी 1 घंटे तक। क्योंकि सफाई नहीं करता हूँ ना इस घर में, कार में बैठते तो सारे हैं, किसी ने आज तक सफाई के बारे में सोचा? तुम हो ना? सही कह रहा, मुझे रामू का कमरा रही थी चली उड़ चली बसकली बसकली। मम्मी उड़ चली, कहाँ उड़ चली मम्मी? ग्वालियर उड़ चली। कीटो नानी कीटो विशाखा बहू भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कैमरामैन को मैं सैलरी नहीं देता ना, इसलिए मेरा कैमरामैन काम चोर हो गया। तो कैमरामैन ऐसा ही करेगा जब तुम कैमरामैन को सैलरी नहीं दोगे, उसकी बुराई करोगे। उसके बिना भी काम अच्छा चल रहा था वैसे। आज मम्मी को दिखाया यार, हम यहाँ आते थे पहले ब्रांड फैक्ट्री में। मम्मी पूरी कोजी होके चलती है, मम्मी गुठली बन गई है पूरी है। मुझे पैर सो रखा है मेरा इसकी वजह से, इस चूहे की वजह से, ये पैर ही छोड़ ही नहीं रहा है मेरे। विजय गायब हो गया, उसने सारे बैग्स अपने तकिए बना दिए। और डैडी तेरे मैप है, सो जाओ इन्हीं ले लो। चलो सूरज का नमस्कार करो मम्मी। नमस्कार। वीडियो में क्यों नहीं दिख रहा है? क्या पूरे ट्रिप में क्लीन फूड खाएगा या क्लीन के अलावा सब खाएगा? अरे ऐसे मुंह पे मत करो, पति से सीखा है। कैमरा ऐसे ईज इन करते हैं, आशु को कुछ ही बोलोगे ना बात करो जैसे न्यूज रिपोर्टर नहीं होते इसके मुंह के ऊपर। आज तक से लाइफ याद रख, वीडियो वही हिट जा रही है जो शूट कर रही है, तो चाप से ना जो बोल रही है वो सब नहीं करने का, बीवी कभी गलत नहीं होती है ना। सही है, मैं सारा ईज इन करके देख लिया, सब करके देख लिया। चलो भैया चलो गाड़ी से उतरो, उतरो सब। आशु कीटो को अपना फ्रेंड मिल गया, इतने मोटे हो गए ना लोग कि इनसे निकला ही नहीं जा रहा है। देखो कुछ ज्यादा ही कोजी नहीं हो गया कि निकलने का ही मन नहीं कर रहा। देख रहे हो पीछे वो लड़का फंसा रखा है। ये देखिए सर 360 डिग्री दिखाता हूँ विजय के इस शासन का। वहाँ क्या देख रहा है? गाड़ी कितनी शानदार लग रही है,
नो डाउट शाइन कर रही है. किसने साथ किए ये? मैंने देव राणा ने भाई. मैंने जो मैंने एसेसरी बताई थी ना, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी नहीं है ना तो कमेंट सेक्शन में जाना, आपको एसेसरी की वीडियो मिलेगी. ये इतनी साफ कैसे है ना, आपको पता चलेगा ये राज वहां से. कीटो भाग रहा है, कीटो भाग रहा है, मुर्गी के पीछे भाग रहा है. मेरा खाना तो कीटो कौन है? मुर्गियों के पीछे ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? पूरी दम लगा के खींच रहा मोटा ना मुझे. एक कीटो से भाग रही है और वो कीटो के पीछे पड़ा हुआ है. जब हम ढाबों में जाते थे इतने क्यूट नहीं थे. कीटो के क्यूट इंटरेक्शन सब कुछ है ना. हेलो हेलो बोलिए बाप. वेट कीटो आ रहा है, आ रहा है मुझे, आ रहा है. लड़का पागल हो रखा है विजय को ढूंढने में ना. पहला स्टॉप लिया हम लोगों ने नागपुर की हमारी ट्रिप में, समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर तो मैंने कवर कर ही दिए होंगे. अब यहाँ से आगे का जो 200 किलोमीटर है वो तो सही है, लास्ट के जो 150 या 100 किलोमीटर है वहाँ प्रॉब्लम आने वाली है. रीजन बीइंग बहुत ही वैसा रास्ता है. कैसा रास्ता? मैंने रोड ठीक कर दी. होपफुली उन्होंने रोड सही कर दी हो. लास्ट टाइम जितना मुझे याद है बहुत गंदी रोड. कैसा है खाना? अच्छा, अभी लूट के खा रहे थे, अभी लूट चुका है. ये इतना गंदा क्यों है? क्योंकि चारों हाथ थे इसमें. व्हाट प्रॉब्लम? अच्छा दोबारा बोल, क्या बोला तूने अभी? दोनों पहले क्या आ रहा था? कुछ नहीं आ रहा. कुछ तो आ रहा था ना, मिर्ची वाज ऑन दी वे. अच्छा यही बोला था. बोला सर फार्ट आ रहा था. जी अच्छा कितनी गंदी है तू. पंजा तो मार दे एक बार. नहीं नहीं वो मोटर दांत बहुत शार्प है. नहीं नहीं पुछ, 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 पुछ. मिनी टाइगर दिखा रहा हूँ आपको, देखो मिनी टाइगर है. प्रॉपर्टी अपने लल्ला के नाम की, मैं आपके लल्ला को उठा लूंगा. मेरे नाम होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टी. अच्छा पकड़ लो भैया, खोल दिया फिर रोड पे बंद जाएगा. कम बैक. अबे तो ऊपर चढ़ा देना, मुझे समझ नहीं आ रहा ऊपर जगह है तो सामान क्यों नहीं जा रहा है वहाँ. टैलेंट देख रहे हो इंडिया का, ये देखो भाई ये होता है टैलेंट. मतलब गाड़ी जो हो तुम उसकी क्षमता से 3 गुना ज्यादा ढो सकते हो. यहाँ पे ये देख रहे हो भाई साहब फर्स्ट क्लास बिजनेस टिकट पे ट्रैवल कर रहे हैं. इन भाई साहब के पास सिर टिकाने के लिए ये फ्लाइट वाला जो क्वेश्चन आता है ना वो भी है. बेड रेस्ट नहीं क्वेश्चन होता, बट नेक रेस्ट था. और ये है किसका? मारा किसका इसने? विजय का, जो पीछे से वहां से चल रहा है बेचारे का मार के बैठे हुए. विजय थोड़ा वो वेव तो बना दे, वो वाली जो तूने न्यू ईयर पार्टी में बनाई थी. अरे वो डीजे बनाता जब तू. डैडी को गाड़ी की ड्राइव से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है. आशु हमने जब अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी ना तब से लेके अभी तक हम ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं. इस 900 किलोमीटर की ट्रिप में अभी जो मुझे करेंटली माइलेज शो हो रहा है ना दैट इज 11.1 का माइलेज. डीजल की गाड़ी है ये, 7 सीटर है, 6 लोग और ढेर सारा सामान इस पे लदा हुआ है अंदर भी और ऊपर भी. लगेज कैरियर बॉक्स भी लगा रखा है ऊपर, ठीक है. तो उसको वो भी ड्रैग कुछ ऐड कर रहा है जिसकी वजह से माइलेज कम हो रही है. स्टिल 11.1 का ये एवरेज दे रही है गाड़ी ऑन हाईवे. अमेजिंग. तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था. ब्रेक क्यों लिया था? ताकि थोड़ा सा भाई इतना लंबा ड्राइव करने के बाद ना सब थक गए थे, थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड कर सके. आजू बाजू बहुत प्यारी जगह थी, लोग वहाँ से निकल रहे थे, हाईवे से निकल रहे थे, बहुत प्यारी सी लोकेशन मिली. आजू में देखो छोटी सी नहर भी गई हुई, मैं आपको दिखा के लाता हूँ ना. ये देखिए एक छोटी सी नहर भी गई हुई है.
अब बारी है यहाँ से ड्राइवर स्विच हो रहा है, अब गाड़ी मैं चलाऊंगा, डैडी जाके पीछे बैठ चुके हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ले मुझे पकड़ ले। बैंगलोर का तो कहीं और का था। मम्मी के अंदर कितने सारे क्वेश्चंस हैं ना मम्मी, बताएगा और मुझे भी बता किसका दोस्त कहाँ की। हमें कोई अच्छे क्लीन वॉशरूम्स मिले हैं ढाबे के, वो भी इस ढाबे के। हेलो, कहाँ जा रहे हैं हम? नमस्कार। सबसे बड़ी बात है ना कि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम लोगों ने शॉर्ट ब्रेक लिया है। यहाँ से जो हमारा होटल है वो ऑलमोस्ट 150-160 किलोमीटर कुछ रह गया है। बिफोर दैट वी थॉट ऑफ कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते पीते, फिर उसका कंटिन्यू करेंगे। ये देखो, ये मुझे खींच के लेके जा रहा है, वीडियो नहीं बनाने दे रहा है, इसको पूरा एक्सप्लोर करना होता है। यहाँ बार भी है, ओह माय गॉड। क्या चल रहा है यहाँ पर? फाइनल 60 किलोमीटर रह गए हैं, इसके बाद नागपुर लगने वाले हैं हमारे होटल पे। 52 किलोमीटर। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। आप उससे पहले बढ़िया सी चाय इंजॉय कर रहे थे इन सब लोगों ने तो पी लिया। मैं आपके लिए कुछ अच्छे ड्रोन शॉट्स ले रहा था। मम्मी की तबीयत खुश हो गई है पता है, घर में। हाँ, घर में मम्मी मेरे को डाउन लग रही थी और अब देखो मम्मी खिली खिली सी लग रही है। और देखो किडू की ट्रैक दिखा दो ना मैं आपको। इस बदतमीज ने, इस बदमाश ने मेरा पेंट की क्या हालत की, नए पेंट की मेरी हालत। डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट। इसने मुझे पार्किंग की जगह बोली। आशु मुझे कवर्ड पार्किंग चाहिए, नहीं है तो मैं नहीं रुकूंगा यार। अब भाई तू बात कर उससे। उस वाले में कवर्ड थी ना। हम तभी अब सारी जर्नी इसी एपिसोड में देखने का इरादा है क्या? चिंता न कीजिए, अगला एपिसोड आपके लिए जल्दी आएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।